से। इसमें गोंड पेंटिंग है, गोंड आदिवासी पेंटिंग है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा इस साल मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं अयोध्या से हूँ और इस साल मेरी रैंक AIR 256 आई है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे IPS मिल जाएगा। सो मेरा ये फिफ्थ अटेम्प्ट था और मैंने एक बहुत लंबी जर्नी ऑलमोस्ट वहाँ बिताई है जहाँ पे आप लोग अभी बैठे हो। अभी आप लोग के आगे बहुत लंबा रास्ता है। मैंने मतलब इसके लिए स्टेज के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया, बट जैसे जब मैं वहाँ बैठता था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, कुछ काम के होते थे कुछ नहीं काम के होते थे, बट रहते थे डाउट्स, रहते थे बहुत ज़्यादा रहते थे। तो एज समवन जिसने वो पूरी जर्नी पास करी है, तो अगर इस पूरे सेशन को इस तरह रखते हैं कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो आप उसे आप मुझे पूछें, मैं उसे अपने तरीके से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो इस पूरे सेशन को इसी तरह क्वेश्चन आंसर रखते हैं। मैं आप बैठ के लेक्चर दूं आप सुनो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सर यहाँ पे हैं सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ देने के लिए। तो जो आपके पास क्वेश्चंस हो, क्योंकि जस्ट मैं अभी जस्ट इस तरफ आया, मुश्किल से दो तीन महीने पहले मैं लाइन के उस तरफ था जहाँ पर अभी बैठे हो। तो जो आपके क्वेश्चंस हो आप उसको पूछो, और जो भी हो डोंट थिंक कि कोई स्टूपिड क्वेश्चन है या कैसा होगा, जो भी आपके क्वेश्चन हो आप उसी तरीके से पूछो। कोई नहीं, आपने पहले हाथ उठाया था। फेलियर को कैसे, तीन चीज़ें हैं। पहला, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो ये, क्योंकि अभी तो आपका लाइक एक साल या डेढ़ साल दो साल का प्रोसेस होगा, उसके बाद भी बहुत लंबा टाइम है। तो जब तक आपको ये श्योर नहीं होगा कि आप क्यों कर रहे हो ये, तब तक बहुत सारे डाइवर्जेंस आएंगे। कोई कुछ करेगा, कोई एग्ज़ाम छोड़ के किसी और की प्रिपरेशन करेगा। तो फर्स्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहा है। सेकेंड, फेलियर रहेगा और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज होता है ये, बहुत लोनली प्रोसेस है, बहुत डिप्रेसिंग फेज है। तो उससे डील करने के लिए यही है कि कुछ हॉबीज़ रखी मैंने। जैसे मुझे जिम जाना पसंद था तो मैं लगातार वहाँ जिम अपने फिटनेस पे ध्यान रखा। तो गिटार बजाना पसंद था तो मैंने वो स्टार्ट किया। थोड़ी थोड़े कुछ करीबी दोस्त रखे जिससे हर बात बताई जा सके, तो ऐसे फेलियर से डील करना। और तीसरा सबसे ज़रूरी है कि बैकअप अपने माइंड में क्रिएट रखना, कि अगर ये प्रोसेस ऐसा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुझसे कहीं ज़्यादा तेज होंगे और मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत की होगी, पर क्योंकि उनकी किस्मत साथ नहीं थी और उनका नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे ख़राब थे, और आप भी उस जगह पे हो सकते हो। तो बैक ऑफ द माइंड एक बैकअप हमेशा रखना कि मैं अपना बेस्ट दूंगा इसमें, बट बैकअप क्या रखूंगा। तो ये तीन चीज़ का ध्यान रखना तो लंबे समय तक हेल्प करेगा। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम दीपा शर्मा है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि पूरे UPSC की प्रिपरेशन के दौरान हम ऐसा क्या ना करें जिससे हमारा सिलेक्शन रुके। क्या ना करें? ना करें, यस सर। सबसे पहले सोशल मीडिया, जो अभी सर भी बोल रहे थे, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप है। एक बार इसकी आदत लग गई, मूवीज की आदत लग गई, ये नीचे नीचे लेता ही जाएगा। कब वो एक घंटे दो घंटे हो जाएंगे और वो एक जैसे कहते हैं ना, एक इको ई बबल बन जाता है। आप एक तरह की रील देख रहे हो, घूम फिर आगे वही आने लगता है। तो सोशल मीडिया से दूर रहो, अपनी फिटनेस पे अच्छा ध्यान रखो और लंबे समय के लिए तैयार रहो मेंटली। क्योंकि जब यहाँ पे आप लोग बैठे हो हर रोज़ यही क्वेश्चन, कब सिलेबस पूरा होगा, किस दिन ये ख़त्म होगा, छः महीने में ख़त्म होगा कि नहीं। बट जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत लंबा टाइम निकल गया और वो एक महीने दो महीने कुछ भी मैटर नहीं करता। तो इसका ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि लंबे समय के लिए तैयार रहो। तीसरा, फाउंडेशन पे बहुत ध्यान दे रहा। जैसे जो अभी आपका फेज चल रहा है ना, अभी सीखने वाला, यही टाइम है सबसे ज़्यादा सीखने का। एक बार आप प्रिलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के साइकिल में फंस गए तो वहाँ से कुछ नया सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिलिम्स, उसके तीन महीने बाद मेंस, दो महीने बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू खत्म हुआ उसके दो महीने बाद फिर से प्रिलिम्स, तीन महीने बाद फिर से मेंस, फिर ये। तो एक बार इस साइकिल में चले गए तो सीखना बहुत मुश्किल है। तो अभी ही टाइम है फाउंडेशन बनाने का। तो डेढ़ से दो साल दो अपने आप को इस प्रिपरेशन में। 2 साल लगेंगे ही लगेंगे प्रीलिम्स और मेंस, तो 2 साल दो अपने आप को, पर अपना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना, ठीक है? तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहता है तो बाद में चीज़ें मैनेज हो जाती है, नहीं तो बाद में सिलेबस अगर खाली आधा छोड़ के मेंस देने गए कभी सिलेक्शन नहीं हो। फाउंडेशन पर अच्छा ध्यान, ठीक है? थैंक यू सर।
गुड इवनिंग सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपका फिफ्थ टाइम्स में सिलेक्शन हुआ, तो पिछली लास्ट जो फोर टाइम्स थे, आपसे क्या ऐसी मिस्टेक हुई जिसका वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रहा? क्या ऐसी मिस्टेक हुई? मैं देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मिस्टेक्स होती हैं और कुछ चीज़ें किस्मत भी होती है इसमें। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने अभी कहा कि अनप्रिपेयर्ड स्टेज में एग्ज़ाम में अपीयर होने लगना। जब मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था तो मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हो रखा था, तो मैंने कभी बिना बुक खोले ही पहला अटैम्प्ट दे दिया था। इनफैक्ट जब मेरे दूसरे अटैम्प्ट में मुझे मेंस लिखना था, तो मेंस की तैयारी मैंने प्रीलिम्स के बाद शुरू की थी। प्रीलिम्स क्लियर हुआ उसके बाद 3 महीने में स्टार्ट किया। तो वो जो मैंने बोला कि फाउंडेशन पे 2 साल देने के बाद अपीयर करना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि अनप्रिपेयर्ड, मेरी तैयारी पूरे हुए बिना भी मैं एग्ज़ाम देने लगा। दूसरी, कुछ किस्मत का भी रहता है, किसी साल किसी में ज़्यादा नंबर आ गए, किसी में कम नंबर आए, तो ये दोनों चीज़ रही। बट बाय एंड लार्ज यही है कि अनप्रिपेयर्ड तरीके से अटेम्प्ट देना, ये मेरे लिए मुझे काफ़ी नुकसान पहुँचाया लंबे समय में। नहीं, कर लो, पहले आप कर लो। सर, UPSC एक बहुत लंबा एग्ज़ाम है, तो सर इसमें क्या मोटिवेशन ज़रूरी है या फिर हम किस चीज़ पर फोकस करें? क्या मोटिवेशन से अकेले से काम चल जाएगा? सी, मोटिवेशन मैं कहूँगा एक ट्रैप है। बहुत लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, मोटिवेशन सस्टेनिंग चीज़ नहीं है। एक बार कोई लेक्चर देखे गया तुमने कोई किसी को देखा, अभी आज तुम जाओगे तो बहुत मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन मोटिवेशन ऊपर और नीचे जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है। मोटिवेशन तो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल तक कोई मोटिवेशन नहीं चलता। डिसिप्लिन ज़रूरी है कि 10 घंटा बैठना है, ये आज ख़त्म करना है तो करना है, इसे ख़त्म किए बिना नहीं सोएंगे। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, बट अगर डिसिप्लिन पे पकड़ है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहेगा पूरे एग्ज़ाम में, हमारे साथ वाले सिलेक्ट होंगे, कुछ होगा, घर में किसी की तबीयत ख़राब होगी, मोटिवेशन अप एंड डाउन जाएगा। फोकस डिसिप्लिन पे रखो कि मैंने अपने लिए ये आज इतना बनाया, आज मैं ये किए बिना नहीं सोऊंगा। तो डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस रखो मोटिवेशन के बजाय, ठीक है। ये रील वगैरह देखना, मोटिवेशन स्पीकर को सुनना, तो कुछ लोग करते हैं इस फेज में, मैं भी जानता हूँ कुछ लोग को, बट ये सस्टेनिंग नहीं है और बहुत लंबे समय तक रिजल्ट नहीं देता। डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है उस पर। सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि UPSC में ट्रिक्स काम करती हैं, क्या UPSC में ट्रिक्स होती हैं किसी चीज़ को कवर करने के लिए या फिर नहीं होती हैं? किसी एग्ज़ाम अब UPSC में ट्रिक्स होती हैं या नहीं होती हैं? मतलब किसी सब्जेक्ट को याद करने की ट्रिक्स, किसी टॉपिक को याद करने की ट्रिक्स, किसी सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करने की कोई ट्रिक, क्या ये ट्रिक्स होती हैं? बहुत अच्छा इशू है। पहली बात आपने बोली याद करने की ट्रिक्स, तो सिलेबस में 14-15 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में एक ही बड़ी बड़ी बुक है। yes, हर बुक में कम से कम 100 टॉपिक हैं, ठीक है। अगर आप याद करने के लिए ट्रिक्स लगाने लगे, कुछ लोग गाने तैयार करते हैं, कुछ लोग कुछ तैयार करते हैं, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपको गाना ही याद आएगा, आपको असली इशू नहीं याद आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे का प्रेशर होगा, क्लॉक टिक कर रही होगी, अभी तो आप फिर भी लाइक एयर कंडीशन रूम में बैठे हो, गर्मी तप रहा होगा, तो प्रेशर में ट्रिक्स नहीं काम आते। तो याद करने के लिए ट्रिक्स मत लगाओ, उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मान लो फंडामेंटल ड्यूटीज होगी 11 याद करना, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ढंग से याद कर लो, क्योंकि ट्रिक्स एग्जाम में नहीं याद आती है, ठीक है। तो याद करने के लिए, रही बात ट्रिक्स होती हैं, हाँ होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका आप यूज़ करोगे तो आपका टाइम बचता है, आपके आंसर में स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आंसर को डिवाइड करना होता है तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंगल, लीगल एंगल, तो कुछ पहले से स्ट्रक्चर है जिनका आप यूज़ करके अच्छा आंसर लिख सकते हो, पर उनका नंबर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको अप्लाई ही ना कर पाओ। 2 से 3 ट्रिक्स मेंस में चलती हैं, 4 से 5 ट्रिक्स प्रीलिम्स में चलती हैं, ठीक है। कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो ए लगेगा, अगर नहीं भी आ रहे तो ए पे ज़्यादा चांसेस है, अगर आपको रिस्की लेना है तो ए पे लेना है। तो कुछ ट्रिक्स हैं लेकिन उनका नंबर बहुत कम है, 5 से 6 प्रीलिम्स, 3 से 4 मेंस, उससे ज़्यादा नहीं। और याद करने के लिए तो ट्रिक्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो याद नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि UPSC पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम है, तो सर हमारी कैसी पर्सनैलिटी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, हमारा एक मतलब नेगेटिव पॉइंट रहता है उनकी वजह से? देखो, अगेन पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम है, बट ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम बहुत परफेक्ट है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी वाले भी नहीं होते और बहुत वैसे भी हो जाते हैं। तो अपनी तैयारी जो है प्रैक्टिकल रखो कि ये एग्ज़ाम है, इसे मुझे कैसे क्रैक करना, मुझे कैसे नंबर लाने, अब वो कैसे भी करके। तुम थोड़ा इमोशनल ना रहो एग्ज़ाम को लेके, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो कि नंबर मुझे कैसे भी लाने, मुझे सिलेक्शन लेना बाकी नहीं। रही बात पर्सनैलिटी की, तो हाँ कुछ बेसिक है ट्रेट्स जो होने ही होने चाहिए। सबसे पहला पेशेंस,
पेशेंस, क्योंकि लंबे समय की प्रोसेस है, जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा लंबे समय तक वो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा प्रिलिम्स में नहीं होता, अब अगला प्रिलिम्स एक साल बाद है, yes, तो अब वो एक लंप क्रिएट हुआ, उसमें इंसान नीचे जाता ही जाता है, फिर डिस्ट्रैक्शन में जाएगा, फिर मान लो कोई किसी दोस्त की अच्छी नौकरी लग गई, तो वो अपनी पहली चीज़ पेशेंस है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा टेम्परेंस है, कि अपने इच्छाओं पर कंट्रोल कितना तुम्हारा, ठीक है, तुम अपने खाने पे, अपने सोने पे, सोशल मीडिया पे, किस अपनी सोशल सर्कल में कितना कंट्रोल कर सकते हो, कि तुम्हारा मन हो रहा है करने का पर तुम अपने आप को रोक पा रहे हो। तो ये दो क्वालिटी, पेशेंस और टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भी क्वालिटीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं बहुत ज़्यादा, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल, बट ये तो बुकिश है, ठीक है, ये तो होनी होनी, वो तो एग्जाम चेक कर लेगा, लेकिन टेम्परेंस और पेशेंस ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में। थैंक यू सर। सर हम लोग 12th अभी पास आउट हैं सर, तो हम लोग एनसीईआरटी को सर कैसे प्रिपेयर करें? देखो एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए अच्छा है, किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अच्छा है, पर जियोग्राफी छोड़ के कोई ऐसा एनसीईआरटी नहीं है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हें दूर दूर के दे दिए जाएंगे। हर बार अभी भी प्रीलिम्स हुआ होगा तो कोई ना कोई एक वीडियो बनाएगा कि देखो एनसीईआरटी से यहाँ है, पर वो उनका आउटपुट कम है। तो एक तीन रीडिंग करो, पहली बार अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरी बार थरो रीडिंग जिसमें तुम हाईलाइट करोगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और तीसरी बार फिर एक फाइनल रीडिंग, और फिर एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे। बट ये ध्यान रखना कि वो फाउंडेशन है, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, मतलब आ जाते हैं हर साल 3-4 आ जाते हैं, पर जो तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक है उससे ज़्यादा आते हैं। तो एनसीईआरटी का यूज़ करो फाउंडेशन बनाने के लिए। ज्योग्राफी इकलौती ऐसी एनसीईआरटी है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, बट बचे हुए जो सब्जेक्ट है उसमें कोशिश करो बस फाउंडेशन बनाने के लिए, और स्टैंडर्ड मेंटेन होगा जो बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, जैसे राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी दो ऐसी एनसीईआरटी है जिसे मैं रिकमेंड करूँगा कि थरली रीड करो, बाकी बस इतनी रीड करो कि अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। और सर आपकी शेड्यूल कैसे है सर ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में ये सर लाइक सुबह से? अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, तो अभी वो वहाँ जाके पता चलेगा। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट। क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, तो उसमें जो कंसिस्टेंसी है उसको आपने कैसे मेंटेन रखा, कि हर एक दिन जो है एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ाई करना, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तो वो कंसिस्टेंसी कैसे आपने मेंटेन की? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि 100% तो मेंटेन नहीं होती, ठीक है, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं यहाँ आके बोल दूँ कि मैं रोज़ 14 घंटे पढ़ता था, मैं ये करता था, मैं करता था, कोई मतलब नहीं। खराब दिन सबके आते हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसे दिन होते थे जिसमें एक भी इफेक्टिव आर नहीं निकलता था, ठीक है, तो वैसे भी दिन रहे, पर बाई एंड लार्ज महीने में 26 दिन तो बनानी ही पड़ेगी। 4 दिन तुम्हारी एक दिन तबीयत खराब हो गई, 1 दिन डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट 25 से 26 दिन तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मेरा ये तरीका था, जैसे मैं दिल्ली आके प्रिपेयर नहीं किया, मैंने घर से प्रिपरेशन की अपनी, तो मेरा कंसिस्टेंसी का यही तरीका था कि इतने बजे मुझे घर से निकलना और लाइब्रेरी जाना, तो लाइब्रेरी में बैठना, अगर तुम घर से डिटैच हो गए एक बार स्टडी टेबल पे आ गए तो वहाँ से कंसिस्टेंसी बनाना आसान है। मैं अपना फ़ोन छोड़ के आता था, आईपैड लेके जाता था पढ़ने के लिए, तो यहाँ से कंसिस्टेंसी बनाना आसान है। पहली चीज़ ये कि जो तुम्हारी पढ़ाई का जो एरिया हो वो बिल्कुल सेपरेटेड हो तुम्हारे कंफर्ट के एरिया से, ठीक है, ताकि अगर मैं घर पे पढ़ने की कोशिश करता था तो मैं बार बार सोचता था कि चलो बिस्तर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, थोड़ा लेट के पढ़ लेते हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक सेपरेट जोन हो, ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंसी का ये है कि हमेशा प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना, ठीक है, ये नहीं कि आज जोश में आया 14 घंटे का बना लिया, हफ्ते भर पढ़े 8वें दिन थक गए, तो बहुत ही प्रैक्टिकल जो फॉलो हो सके। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 7 से 8 घंटे से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगते हैं, 2 साल अगर 8 घंटे पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा, तो 8 घंटे कैसे पढ़ना ये देखना तुम्हें। तीसरी चीज़ है प्रोग्रेसिव करना, जो भी करना, अगर लेट्स से तुमने बनाया 8 घंटे का शेड्यूल, तो अब ये नहीं कि पहले ही दिन ही 8 घंटा नहीं आएगा, पहले दिन 1.5-2 घंटा कर लो, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, तो जो प्रोग्रेसिव होता है एक बार ये चीज़ है। और अभी आप लोग मतलब थोड़ा स्टार्टिंग फेज में हो, जब एक बार थोड़ा थोड़ा प्रेशर आने लगेगा ना घर से, जब प्रीलिम्स की डेट पता चल जाएगी कि अच्छा 6 महीने में प्रीलिम्स है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी। अभी आपका वो फेज़ है जिसमें आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, एक बार ऊपर से प्रेशर दबना शुरू हुआ फिर दिन भर पढ़ोगे, मतलब ऐसे फेज़ भी रहे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ऐसे कि हर जगता हुआ मिनट पढ़ने में ही गया है, चाहे वो तुम कुछ भी हो, शावर ले रहे हो तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, क्या पढ़ा, क्या रिवाइज कर रहा है, तो हो जाएगा। लेकिन अभी ये टाइम है कि अभी आप लोग के पास थोड़ा टाइम भी ज़्यादा रहता है, तो अपने आप को कंट्रोल करना, तो जो टाइम टेबल होगा प्रैक्टिकल और प्रोग्रेसिव, ठीक है, और यही समय है सीखने का। एक बार प्रीलिम्स के चक्कर में पड़ गए वहाँ से सीखना बहुत कम हो जाता है,
फिर तुम गैप फिल कर सकते हो, नई नॉलेज बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो अभी अपने ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि इंटरव्यू में बताया जाता है कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो जो एक जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसको आपने कैसे डेवलप किया था? सी, इससे पहले मेरा एनडीए में भी रिकमेंडेशन हुआ था और एफकैट में भी, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में फेस करके ऑलरेडी गया था और रिकमेंडेड भी था, तो इंटरव्यू मेरे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं था, मेरे ठीक ठाक स्कोर भी थे, तो वो हो जाएगी डेवलप। अंडरस्टैंडिंग की जो बात कर रहे हो ना, अभी तुम्हें इतने डाइवर्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और तुम जब करंट इशू पढ़ोगे तो धीरे धीरे वो नॉलेज से मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। दूसरा जो कम रह जाता है वो इंटरव्यू से एक महीना पहले मॉक शुरू होते हैं, वो तुम्हें ठोक पीट के बराबर कर देंगे, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और उसकी चिंता मत करो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एक महीने से डेढ़ महीने से ज़्यादा नहीं लगता और वो हो जाएगी। तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तुम इंग्लिश में चीज़ें पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएंगी, और अगर नहीं भी है तो हिंदी में भी लोग अच्छा स्कोर करते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता नहीं करो। अभी प्रीलिम्स और मेंस से ध्यान दो, इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करो। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा हमारा क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्यों आप क्यों कर रहे हैं, तो सर आपका क्यों क्या रहा कि आपने इतनी लंबी जर्नी फेस की? मेरा ये श्योर था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है, मतलब मुझे एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे पता था मुझे कॉर्पोरेट में नहीं जाना। मेरे एक अंकल थे वो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर भी लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो मैं उनके घर में 15-16 साल का था तब गया था, 12th वाइज जैसे आप लोग क्लियर किए हो, 12th कंप्लीट करके मैं गया था उनके घर पर, तो मैंने एक ऑफिसर की लाइफस्टाइल देखी, मैंने एक ऑफिसर उनके साथ ऑफिस में गया, उनके साथ पार्टीज़ में गया, तो मुझे वो लाइफस्टाइल अट्रैक्ट किए, तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू। फिर पहले मेरा इंक्लिनेशन आर्म फोर्सेज की तरफ था, मेरा एयरफोर्स में रिकमेंड हुआ बट पायलट नहीं बन पाया आँख की वजह से, तो वो जो ऑफिसर का था कि ऑफिसर का कीड़ा, ऑफिसर ही बनना है, चाहे आर्म फोर्सेज में चाहे पुलिस फोर्स में किसी में, बट ऑफिसर बनना, कॉर्पोरेट नहीं जाना, तो आई वॉज वेरी श्योर ऑफ दैट, तो इसलिए मैं इसी लाइन में ही लगा रहा। नहीं तो बहुत सारे दोस्त थे जो उन्होंने कॉर्पोरेट में गया, वो भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं श्योर था कि मुझे ऑफिसर ही बनना। नहीं सर, अक्सर को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है कि हाँ हम सोशल वर्क करना चाहते हैं इसलिए इस लाइन से मतलब लाइन में आ रहे हैं, तो सर आपका क्या मिशन है, आप क्या चेंज करना चाहते हैं? अगेन इट्स अ लाइफ, तो मैं सही से बता रहा हूँ, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होता है ना उसे भी पता होता है तुम क्यों आए, तुम्हें भी पता होता है तुम क्यों आए, ठीक है, ये ज़्यादा फेंकने के कि मैं समाज बदल दूंगा, तुम बोलते हो वो भी हंसते हैं, तुम भी हंसते हैं, ठीक है, तो अपना क्यों क्लियर रखो, उनको भी पता है, वो भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि हाँ एक ऑरा है ऑफिसर के अराउंड, एक पावर है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, एंड इट इज़ अ वेरी रीजनेबल आंसर। तो जो लोग बहुत वैसे आंसर करते हैं ना कि समाज, नहीं सर, उस आंसर को मतलब कैसे डील किया जाए, ये अक्सर क्वेश्चन मतलब कि आता है, सही सही बता दो बस, यही इसीलिए मैं सर, अक्सर आंसर तो ये दिए जाते हैं सोशल वर्क करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो मैं यूपीएससी के एक्स इंटरव्यूअर से भी मैं मिल चुका हूँ, मैं यूपीपीसीएस के भी इंटरव्यूअर से, उन्हें पता है वो 60 साल के हैं, पता है तुम्हें, वो 30 साल सर्विस में काट चुके हैं, वो हर साल कैंडिडेट से मिलते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम क्यों आए, ठीक है, और उधर फेंकना नहीं होता, रीजनेबल आंसर देने होते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम सब ने यूपीएससी के एग्जाम का एक बहुत बड़ा हुआ क्रिएट है दिमाग में कि कुछ बहुत अलग सा करना होता है सिलेक्शन के लिए, और ये एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है कि अगर इतना बड़ा एग्जाम है तो हम कर पाएंगे कि नहीं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, लंबा है, डिफिकल्ट नहीं है, कंसिस्टेंसी मांगता है, बहुत कोई एक्सेप्शनल आईक्यू नहीं मांगता, अगर तुम एवरेज आईक्यू के हो बट लंबे समय तक मेहनत कर सकते हो तो क्लियर हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बहुत लंबा एग्जाम, ठीक, और इंटरव्यू में भी ऐसे ही आंसर करने होते हैं, प्रैक्टिकल आंसर, ठीक है। ओके सर, तो अगर बहुत लोग सोशल वर्क के लिए आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वो आपके आंसर में कन्विक्शन दिखना चाहिए, क्योंकि जब आप सही बोल रहे हो सोशल वर्क के लिए तो आपसे पूछेंगे कि अभी तक आपने कितना सोशल वर्क किया, अगर आप सोशल वर्क करना है तो आप एनजीओ भी नहीं ज्वाइन करते, तो आपके पास इस सब के आंसर्स बहुत ठोस होने चाहिए और आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि वो सही आंसर्स हैं, पर अगर नहीं है तो बताओ तुम क्यों आए हो, बोलो स्टेबल जॉब है, एक अच्छी पावर है, सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट है, इसी वजह से बनने आए, कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कई बार जैसे हम इस प्रिपरेशन में होते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ठीक है हम सही चल रहे हैं, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, हमारे डायमेंशंस क्लियर होते हैं, या फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम लैग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करें? देखो अगेन यही है, देयर विल बी बैड डेज, कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी कोई मोटिवेट कर दे, कितना भी अच्छा कर रहे हो, महीने में 1-2 दिन आएंगे जिस दिन सेल्फ क्वेश्चन होगा, सेल्फ वर्थ पे डाउट होगा,
वो आएंगे ही आएंगे, तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। कुछ दिन ऐसे आएंगे जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। अभी तो क्या आप लोग क्लास आते हो, क्लास में पढ़ाया जाता है, तो प्रोडक्टिविटी कुछ तो है ही। अभी जब आपका ये क्लासेस खत्म होंगी ना, तब सेल्फ प्रिपरेशन का स्टेज स्टार्ट होगा। तब आप अपने आप बैठोगे, रोज आंसर लिखोगे, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प होगी, आप आंसर चेक करोगे, वो बहुत ही डिफिकल्ट फेज होगा। तो पहले आप तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि कुछ दिन ऐसे आने वाले हैं। ठीक है, अपना टाइम टेबल भी मैं बनाता था ना महीने भर का, तो मैं मान के चलता था 3 दिन खराब होने वाले हैं। अब वो 3 दिन महीने में कब आएंगे इसका पता नहीं है। वो 3 दिन किसी मम्मी पापा की तबीयत खराब हो सकती है, मेरा मन नहीं कर सकता पढ़ाई के लिए, लाइट जा सकती है, कुछ ना कुछ होगा, पर 3 दिन खराब होंगे। तो पहली चीज़ तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि करना है, ये करना है। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ है अपने आप को टेस्ट करना कि कहाँ पे हो आप, वो है लगातार टेस्ट देते रहना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप लैग कर रहे हो, तो आप एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देख लो, आप देख लो कहाँ लैग कर रहे हो। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो और आपके लेट्स से प्रीलिम्स में 90 आ जा रहे हैं, तो बहुत है। 200 में 200 तो नहीं ला रहे ना किसी को, सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर रहे। तो अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो, अगर वो हो रहा है तो मतलब आप अच्छा जा रहे हो। तो यही तरीका है, कुछ मेंटली प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं कानपुर देहात से आया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी लंबे समय का एग्ज़ाम है, तो मतलब इस लंबे समय को कंटिन्यूटी अपने आप को मोटिवेट कैसे बनाए रखें? कभी कभी बीच में ये होता है कि पता नहीं क्या हो, मतलब लंबे इतना लंबे समय तक अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखें? अगेन यही क्वेश्चन शायद उसने पूछा था। मोटिवेशन ऊपर नीचे जाता रहेगा, ठीक है। कुछ दिन अभी आप लोग की फिर भी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप लोगों ने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 22-23 पे स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, 1-2 साल कॉर्पोरेट की जॉब कर ली, उनका प्रेशर और भी ज़्यादा है। तो आप लोग यंग हो, तो अभी तो टाइम है, अभी तो 21 तक आप लोग आराम से पहला अटैम्प्ट दे, 22 तक पहला अटैम्प्ट दे दोगे, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो सेकेंड ऑप्शन है। तो अभी कंसिडर योर सेल्फ लकी। दूसरा कि कैसे बनाए रखें, तो उसका यही है कि शेड्यूल बनाओ और उसमें डिसिप्लिन में रहो, मोटिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ो, ऊपर नीचे जाता रहेगा, ठीक है। ये अब या तो आपको कोचिंग शेड्यूल प्रोवाइड कर दे, या आप अपना बनाओ और उसे स्टिक रखो कि महीने 6 महीने एकदम रोबोट की तरह करना है, बिना इमोशन लगाए, ठीक है। और कुछ दिन प्रिपेयर रहो, खराब जाएंगे, उसी तरह करो। मोटिवेशन नीचे जाता है, अभी तो नहीं नीचे, अभी और नीचे जाएगा, ठीक है। अभी तो आप अपने दोस्तों के साथ हो जो प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 घंटा यहाँ बैठ के पढ़ाया जा रहा है, अभी अकेले बैठोगे और दिक्कत होगी। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि बिना मोटिवेशन के कैसे पढ़ना है, डिसिप्लिन में कैसे, ये काम ख़त्म करना है तो करना है, ये नहीं कि मोटिवेशन आज नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन मेंटली प्रिपेयर रहो, नीचे जाएगा, बट अगर स्टिक रखोगे लंबे समय तक अपने शेड्यूल से, कोचिंग प्रोवाइड कर दिया जो अपना, फाइनली हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं इम्फेसिस कर रहा हूँ, मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन पे ध्यान दो, कि शेड्यूल पे ध्यान दो कि उसको कैसे करना है। आज इतने पन्ने पढ़ने हैं, आज ये नोट्स बनानी है, वो होना ही होना चाहिए। और जब आपका जैसे तीन लेवल पे प्लानिंग की जाती है, एक तो डे की प्लानिंग की जाती है, एक वीक की प्लान की जाती है, एक मंथ की प्लान की जाती है। तो अगर आप सुबह उठ के या एक बार बैठ के बनाए हो कि ये करना है, ठीक है, इस वीक में मुझे ये ख़त्म करना है, इस मंथ में मुझे ये ख़त्म करना है, तो अगर आपके पास पूरा दिन का सामान है ना कि आज इतना ख़त्म करना है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा ये सोचने का। दिक्कत ये कब आती है पता है? जब लोग अनगाइडेड प्रिपरेशन करते हैं, जैसे उनके पता बस वो ले के खोल के बैठ गए, उन्हें पता नहीं है कि आज कितना पढ़ना है, हफ्ते में कितना पढ़ना है, तब ये दिक्कत आती है कि किताब खुली रहती है और दिमाग कहीं और जा रहा होता है कि होगा या नहीं होगा। तो शेड्यूल बनाओ, डिसिप्लिन रहो, प्लान करो चीज़ें अच्छे से, तो ये दिक्कत कम होगी, ठीक है। और ये भी मान लो कि ये दिक्कत आएगी ही आएगी, जो टॉप किए हैं उनके साथ भी ये दिक्कत है, जो फेल किए उनके साथ भी, तो तुम कोई स्पेशल नहीं हो कि दिक्कत नहीं आएगी। इस दिक्कत के साथ कैसे पढ़ाई करनी है उसके लिए तैयारी करो। सर आप आंसर राइटिंग की तैयारी कितना करते थे और कैसे करते थे? अगेन जैसे मैंने अभी बताया ना, उसने पूछा आपने क्या गलती की, कितना अटेम्प्ट लगा, तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने प्रीलिम्स क्लियर करके तब आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी। इवन तो मैंने 3 महीने के अंदर ही मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया था, मेरे मेंस क्लियर हो गया था, बट मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, ठीक है। तो मेरी गलती से यही सीखू कि हर दिन एक एक आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब जैसे अगर एक टॉपिक पढ़ाया गया एक दिन में, ठीक है, तो उस टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन कि 3 पेज में कैसे लिखोगे। आंसर लिखना एक आर्ट है, ठीक है। अगर वो आर्ट तुम्हारे समझ में आ गई ना एक बार, तो फिर वो तुमसे कोई ले नहीं सकता, वो तुम फिर सब्जेक्ट में वो एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें तुम नॉलेज डालते जाओगे और आंसर बनता जाएगा। तो वो आर्ट डेवलप करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 3 महीने भी। अगर तुम 100 क्वेश्चन भी लिखोगे, तो 100 क्वेश्चन के अंत में तुम्हें समझ में आ जाएगा
कि वो स्ट्रक्चर क्या है आंसर राइटिंग का, फिर वही स्ट्रक्चर GS1 से 4 में जाता है, सब जगह वही चलता है, ठीक है, वही इंट्रोडक्शन, वही आंसर डिवाइडेड और वही पार्ट, वही कंक्लूजन, सब जगह ही चलता है। पर उसके लिए तुम्हें 100 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो टॉपिक एक पढ़ाया गया उसको 3 पन्ने में लिख दो। अगर ये नहीं कर पा रहे तो न्यूज़ एडिटोरियल आता है, ठीक है, वो 3000 वर्ड का होता है अप्रॉक्सीमेटली, 2000 वर्ड का अप्रॉक्सीमेटली होता है। उस 2000 वर्ड को 300 वर्ड में कैसे लिखोगे ये कर लो, क्योंकि वो एक टॉपिक कवर करता है, उस एक को 3 में कैसे करोगे ये कर लो। अगर एक एक आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करोगे तो जब तक असली में आंसर लिखने का टाइम आएगा अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इनफैक्ट आंसर राइटिंग ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग मतलब जो लोग मेंस लिखते हैं उन्हें पता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे कोई आइडिया नहीं होता, पता भी नहीं होता कि वो आंसर क्या है, पर क्योंकि आंसर लिखने की आर्ट पता है तो हम अवेलेबल नॉलेज को इस तरह से दिखा सकते हैं कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था। तो आंसर लिखना एक आर्ट है, रोज एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो जब असली में लिखने का टाइम आएगा तो अच्छी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो या तो एडिटोरियल लो या क्लास का लो, ठीक, 3 पन्ने में 250 वर्ड, तो इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो हो जाएगा। सर आपने स्पीड कैसे मेंटेन करी थी आंसर की? स्पीड प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। जब स्टार्टिंग में लिखो सारे क्वालिटी ऑफ आंसर हो गया या स्पीड हो गई, सब कुछ प्रैक्टिस पे। अभी पहले दिन लिखोगे आंसर 15 मिनट 16 मिनट जाएगा, क्वालिटी भी खराब होगी। फिर वही 30 दिन बाद आंसर 11 मिनट 12 मिनट में जाने लगेंगे। तो सब कुछ प्रैक्टिस ही है, लिखना शुरू कहीं से तुम्हें स्टार्ट कर, हमेशा स्टार्टिंग खराब आंसर से होगी, खराब स्पीड से होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तुम्हें कोई ट्रिक बता दूंगा कि उससे स्पीड बन जाएगी, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। आप सबकी तरफ से ओके सर, थैंक यू। कैसे आप जो जैसे सोसाइटी है तो सोसाइटी में ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इस पर ये प्रैक्टिस करते हैं, तो ये केवल पैराग्राफ में लिखते हैं जबकि इनको डायग्राम में लिखना चाहिए या कैसे लिखना चाहिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि नहीं? Yes, sir. बोलते ना yes, प्रश्न पूछना कैसे हैंडल करते हैं, प्रश्न पूछने में तुम लोगों की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, पूछें कैसे, कितनी बार कह घर से हैं लेकिन नहीं सर कैसे हैंडल किए, अरे क्वेश्चन पूछो कैसे लिखते हैं, घर का IPS नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन है, वर्कबुक कितना आपके लिए बेनिफिशियरी है, ये शेड्यूल है इन लोगों का कि जैसे जैसे क्लास चलती है कितना लाइब्रेरी में ये लोग बिताते हैं, इन लोगों का एक प्री शेड्यूल रहता है जिसमें कम से कम ये रहता है कि एवरेज 8 से 10 घंटे इनका मेंटेन, तो ये कितना इनके लिए हेल्पफुल है, ये सब नहीं पूछ रहे हैं, फालतू बात पूछ रहे हैं। पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था आंसर वाला, मैं एक आंसर का स्ट्रक्चर दे दे रहा हूँ, इसी यही स्ट्रक्चर लास्ट तक फॉलो होगा, ठीक है, चाहे GS1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। क्वेश्चन झूम के पूछो, मैं जाऊं एसे के लिए, एसे के बाद भी सब पूछो, ठीक है। पहले मैं आंसर राइटिंग पे कर दे रहा हूँ, जो भी आप एडिटोरियल से लिखोगे वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 lines में जाता है। अब इसमें इंट्रोड्यूस करने के 3 तरीके होते हैं जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, पहला फैक्ट्स, दूसरा एवोल्यूशन, तीसरा डेफिनेशन। यही 3 तरीके हैं किसी भी आंसर को इंट्रोड्यूस करने के। लेट्स से क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया जाएगा फैक्ट से, आर्टिकल लेट्स से 13 to 39 याद नहीं है मुझे, बट आर्टिकल मेंशंस होंगे। अगर इंडियन रेलवे के बारे में पूछा जाता है तो इंडियन रेलवे कैसे स्टार्ट हुई ब्रिटिशर्स के टाइम पे, लेट्स से वाटर कंजर्वेशन पे पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज से पूछा जाता है, तो इसमें आप डिफाइन करेंगे क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। इसमें आप फैक्ट भी डाल सकते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1 degree Celsius एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये 3 तरीके हो गए इंट्रोड्यूस करने के। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा, ठीक। तो पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर हमेशा 150 वर्ड के, मतलब ये यूजुअल फॉलो होता है, हमेशा नहीं होता, बट जो 150 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और जो 250 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट उसकी हेडिंग अलग बनेगी, एग्जामिनर को क्लियर देखना चाहिए कि एग्जामिनर को
कोई मतलब नहीं है तुम्हारी कॉपी चेक करने से, ठीक है। यहाँ पे तुम जैसे कॉपी चेक कराते हो, लाइन बाय लाइन चेक होगी, तुम अगर कोई मिस कर दिया तुम चढ़ जाओगे सर उनके सर पे कि सर ये वाली लाइन आप मिस कर दी, इसमें ज़्यादा नंबर मिलना था, कुछ नहीं काम आता यूपीएससी में। उस 60 साल का कोई आदमी होगा उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा तुम्हारी कॉपी चेक करने का। तुम्हें अपनी कॉपी इतनी आसान बनानी है कि वो एक बार ऐसे देखे और उसको सब कुछ दिख जाए कितना है। तो सब कुछ बहुत अलग अलग, सब कुछ बहुत अलग, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तो तुम अपनी कॉपी इस तरह से लिखो कि कोई वो पढ़ रहा है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है कॉपी चेक करने में, बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी निकल गई, वो रिटायर होने वाला, ठीक है। तो जो भी डिवाइड होगा वो ऐसे एक बीच में पैराग्राफ बनेगा जिसमें हेडिंग बनेगी। लेट्स से क्लाइमेट, मान लो क्वेश्चन ले लेते, क्लाइमेट चेंज के कॉज इफेक्ट और रेमेडी बतानी है। यह 250 वर्ड का मान लो क्वेश्चन हो गया। जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप डिफाइन करोगे, ठीक, पहला पार्ट बनेगा कॉज का, तो इसमें आप क्लियरली लिखोगे कॉज ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि अब यहाँ से यहाँ तक कॉज है, ठीक। दूसरा, बहुत लोग होते हैं पैराग्राफ में लिखते हैं, और सिलेक्शन हुआ है, टीना डावी मैम का है, वो पैराग्राफ में लिखती थी सिलेक्शन हुआ है, बट तुम मोस्ट टॉपर्स कॉपी पढ़ोगे सारे के सारे पॉइंट्स में लिखते हैं। फ़ायदा, पॉइंट्स में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, पैराग्राफ में ज़्यादा लिखना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा लेता है, पॉइंट इसमें एक लाइन लिख के छोड़ सकते हो। दूसरा, इसे पढ़ना आसान होता है। अगर तुमने 6 पॉइंट लिख दिया तो वो सीधा पढ़ लेगा कि आज 6 पॉइंट है, वो तुम्हें नंबर दे देगा। अगर तुम पैराग्राफ 5 लाइन का लिखे हो तो उसे भी ज़्यादा मेहनत लगेगी वो 5 लाइन पढ़ने में, ठीक है। तो कोशिश करो कि पॉइंट्स में आंसर लिखो, मोस्टली क्वेश्चन पॉइंट्स में ही आते हैं, ठीक है। मैं इस बार का मेंस यह, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि पॉइंट्स में ना लिखा हो या पैराग्राफ में लिखा हो, तो पॉइंट्स में लिखो। दूसरा, मान लो अब इफेक्ट आ गया तो अब इसका एक अलग पैराग्राफ बनेगा और उसको तुम सर्कल करोगे ये दिखाने के लिए कि अब मेरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर दिखना चाहिए कि यहाँ तक कॉज की बात हुई है, यहाँ से आगे इफेक्ट की, यहाँ पे रेमेडी के, ठीक। ये 3 अलग अलग पार्ट हो गए। अब कंक्लूजन वो एक लौता पार्ट है जो कि तुम्हें बाकियों से अलग करेगा, क्योंकि लोग यहाँ से यहाँ तक खूब मेहनत करते हैं बट कंक्लूजन बहुत हल्का दे देते हैं क्योंकि उन्हें अगले क्वेश्चन में भागना होता है, क्लॉक हमेशा टिक कर रही होती है। तो पहले से कंक्लूजन का मैंने क्या तरीका निकाला था, यह कुछ स्टैंडर्ड कंक्लूजन मैं प्रिपेयर करके गया था। तो लेट्स से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया तो मैं यही लिखूंगा कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ज़रूरी है, ठीक। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारे याद कर लो, वो लेट्स से पंचामृत इस बार की न्यूज़ में था वो। अगर मिलेट पे क्वेश्चन आ गया तो श्रीअन्न। तो पहले से कंक्लूजन तुम्हारे पास होने चाहिए, कुछ कैची वर्ड्स होने चाहिए ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, जैसे जो भी स्पीचेस में सुनते हो ना, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारे पहले से प्रिपेयर होने चाहिए तुम्हारे पास। हर मान लो इन्वायरमेंट का अगर आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, इन्वायरमेंट के 2 से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट के पहले से 20 कंक्लूजन तुम्हारे पास तैयार होने चाहिए। अब वहाँ उसमें कौन सा चिपकेगा ये तुम डिसाइड करोगे, पर पहले से इकोनॉमी के 20 कंक्लूजन, पॉलिटी के 20 कंक्लूजन, इन्वायरमेंट के 20 कंक्लूजन, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। और जेनेरिक होने चाहिए जो कहीं भी चले जाए, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट का कंक्लूजन देना है तो तुम अपने वैदिक टाइम का रेफरेंस दे सकते हो, वो किसी भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में चल जाएगा, ठीक है। तो जेनेरिक ऐसे कैची टर्म्स होने चाहिए, विकसित भारत हो गया। अब ये ऐसा है कि ये तुरंत इसको लिखोगे तो ये तुरंत अट्रैक्शन करे, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। कुछ टर्म्स होते हैं तो हर सब्जेक्ट का कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर कर लो। कुछ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, जिससे मैं ये नहीं कह रहा सारे आंसर में लग जाएगा बट 50% आंसर में लग जाएगा। टॉपर्स कॉपी है विजन आईएएस पे, सबकी सारी टॉपर्स कॉपी मिल जाती है। पिछले साल की मुझे नाम नहीं याद है, जो AIR बनती है, इशिता किशोरी नाम था शायद, उनकी कॉपी पढ़ना और उनके कंक्लूजन देखना, तुम्हें साफ समझ में आएगा उनके कंक्लूजन तैयार थे। उन्होंने वहाँ बैठ के वो अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं सोचे, वो पहले से तैयार की हुई थी, उन्हें बस लगाने थे। तो ये भी तैयारी का एक पार्ट है कि हर सब्जेक्ट से 20 से 25 कंक्लूजन तुम पहले से तैयार करके आठ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का। तो अब जब आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स से एडिटोरियल कर रहे हो, ठीक है, तो 2000 वर्ड का एडिटोरियल आया, तो अब उस एडिटोरियल को इस फॉर्मेट में लिखना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ लाइन बाई लाइन लिखी, कोई इंट्रोडक्शन कोई कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। बट उसको तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे 3 लाइन में, कैसे उसे डिवाइड करोगे, कैसे उसे पॉइंट्स में लिखोगे, कैसे अपने आंसर को इस स्ट्रक्चर में लाओगे, यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर हर जगह चलता है। इसी स्ट्रक्चर को अगर तुम्हें आता है तो तुम वो आंसर भी लिख सकते हो जो तुम्हें पूरी तरह से नहीं आता है, ठीक है। तो
इस स्ट्रक्चर पे मास्टर करना पड़ता है। 100 आंसर इस स्ट्रक्चर पे लिखोगे तो इस स्ट्रक्चर पे पकड़ बन जाएगी तुम्हारी। तो ये तुम्हारा आंसर राइटिंग का फॉर्म है, ठीक है। तो यही प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग के लिए। एडिटोरियल पढ़ो और इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज When we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.